सिवियर हेयरफॉल हो रहा है ना, और बाल नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन हम मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम ऑफिस जाते हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, तो और हेयर मास्क नहीं लगा सकते, ऑयलिंग नहीं कर सकते। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिससे आपके बालों की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप वर्किंग भी हैं या आपके छोटे बच्चे हों या आपके घर में काम रहता है या कुछ भी, मतलब आप बिजी पर्सन हैं, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी जो कि अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेते हैं तो आपके बालों में जो शाइन आनी चाहिए वो शाइन ऐड होगी, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। आपका सीवियर हेयरफॉल हो रहा है उसको भी रोकेगा, बालों की ग्रोथ जो नॉर्मल रेट है उससे डबल हो जाएगी, आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करेगा। आपके स्कैल्प में कोई इचीनेस हो, मतलब जैसे डैंड्रफ की वजह से आपको इचीनेस होने लगती है या स्किन में कुछ फंगस हो जाता है, रेडनेस होने लगती है, उसको भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ये विनेगर है ना, तो आपके स्कैल्प में बहुत अच्छे से क्लिनजिंग की तरह काम करेगा और आपके बालों में शाइन ऐड करेगा, ठीक है। आप और सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा, ठीक है। 15 डेज़ 20 डेज़ आपको आप एक बैच बना लीजिए और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम शैम्पू बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। हम इसमें एप्पल साइडर विनेगर लेंगे, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन उसमें मैं ये मेंशन कर रही हूँ ना मदर विनेगर, वो ज़रूर होना चाहिए क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का होता है, ये स्ट्रेन नहीं होता। इसमें जो भी एप्पल साइडर विनेगर के जो भी स्ट्रेन होते हैं ना वो इसी में होते हैं, ठीक है। आप इसी को यूज़ कीजिएगा। मैं 2 चम्मच के आसपास इसको ले लूँ क्योंकि मैं एक बार यूज़ करने के लिए बना रही हूँ, इसलिए 2 स्पून के आसपास मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया है। इसमें थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी, आप जितना भी अपने शैम्पू के लिए यूज़ करते हैं ना उतना पानी आप इसमें डालेंगे। उसके बाद मैं हमेशा सोप बेस का ही यूज़ करती हूँ, सॉरी शैम्पू बेस, ठीक है, क्योंकि शैम्पू बेस में कोई भी केमिकल नहीं होता। इसमें ऐड करके आप किसी भी तरह का शैम्पू बना सकते हैं, क्योंकि बाहर के जो शैम्पू होते हैं ना उनमें केमिकल्स ही होते हैं, चाहे आप कुछ भी करें। और मेरी राय ये है कि आप शैम्पू कभी भी यूज़ करें, चाहे उसे आप पानी में डिल्यूट करके यूज़ कीजिए, लेकिन आप शैम्पू को हमेशा डिल्यूट करके ही यूज़ कीजिए ताकि उसके जो केमिकल्स हैं वो आपके बालों को हार्म ना पहुंचा सकें, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते ना तो सिर्फ पानी मिला के शैम्पू यूज़ कीजिए, या फिर ये एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, आपके बालों में जो शाइन ऐड होगी ना आप बहुत खुश हो जाएंगे उसे देखकर। अब हम यहाँ पर रिंस वाटर यूज़ करेंगे। रिंस वाटर क्या होता है कि जैसे आपने शैम्पू कर लिया उसके बाद में आपको जो लास्ट पानी डालना है ना वो ये पानी डालना है आपके हेयर्स में, अपने हेयर में। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर नहीं आप अपने बालों पर डालेंगे, तो इससे क्या होगा ना आपके बालों को डबल इफ़ेक्ट मिलेगा। एक तो आपने शैम्पू विनेगर के साथ यूज़ किया और आपने रिंस वाटर विनेगर के साथ यूज़ किया, तो आपके बालों को डबल इफ़ेक्ट मिलेगा। ट्रस्ट मी, आपके बालों में इतना शाइन ऐड होगा ना इस विनेगर से। और आपको किसी किसी के ना स्किन में बहुत जल्दी ऑयल निकलने लगता है। आपने जैसे आज ऑयल किया है, आपने आज शैम्पू किया है ना, तो नेक्स्ट डे आपकी जो स्कैल्प है ना वो ऑयली ऑयली फील होने लगती है। वो इसके बाद आपको फील नहीं होगी, बहुत अच्छी क्लीन फील होगा। आपको फील होगा कि हाँ हमने शैम्पू किया है और हमारी जो स्कैल्प है ना वो बिल्कुल क्लीन है, कोई भी डर्ट नहीं है, कोई भी ऑयल नहीं है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे स्टोर करके रख लीजिए, वॉशरूम में ही रख सकते हैं, इसमें ख़राब होने का भी कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये सिंपल सी रेमेडी है। आपको ये 2 रेमेडी हफ्ते में 2 बार एटलीस्ट यूज़ कीजिए और इसका इफ़ेक्ट देखिए, आप खुद खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब हम टोनर बनाते हैं। टोनर भी आप हफ्ते में संडे को, ठीक है, संडे सब मोस्टली सबका वीक ऑफ होता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, 2 चम्मच के करीब मेथी 1 चम्मच विनेगर के साथ में पानी मिक्स करके रात में भिगो के रख दिया था। ऑलमोस्ट 24 घंटे हो गए थे इसको भिगो हुए, तो उसके बाद में मेथी कुछ फूल सा गया था। उसके बाद में ये पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये जो येलो पानी है ना ये बहुत ही अमेजिंग काम करेगा, ट्रस्ट मी। और ये पानी ना इवन आप पी भी सकते हैं एम्प्टी स्टमक में। अगर आप इस पानी को पीते हैं ना तो आपकी गट हेल्थ, आपकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो सोचिए आपके बालों पे क्या कमाल करेगा, ठीक है। अब इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद पानी ऐड करेंगे, और पानी ये सब ऐड करने के बाद में सॉरी वो थोड़ी सी क्लिप मेरी शूट नहीं हो पाई थी जिसमें मैंने विनेगर इसमें ऐड किया था। तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब विनेगर ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद में एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, जिससे आप अपने हेयर में अच्छे से स्कैल्प में स्प्रे करके और उसे मसाज दीजिएगा। आप नाइट में इसके कर लीजिए, जैसे आपको पता लग रहा है कि आपको मॉर्निंग में शैम्पू करना है तो आप नाइट में इसको स्प्रे कर लीजिए और जब आपके हेयर ड्राई हो जाए ना उसके बाद में आप बंद बना के सो जाइए। तो उसके बाद में जो लेफ़्ट ओवर मेथी बचा है ना, ये देखिए हमें वेस्ट तो नहीं करना कुछ भी सामान, तो इसको मैं चाहूँगी कि आप मास्क की तरह यूज़ कर लें, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज और दही मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा हेयर मास्क बनाया था। ये हेयर मास्क भी आपके बालों के लिए बहुत गजब कमाल करता है। दही आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, शाइन ऐड करता है, लस्टर्स हेयर्स बनाता है। अनियन और मेथी का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत कमाल है आपके बालों के लिए, ठीक है। इसको आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देगा। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका काम भी हो जाएगा। आप अगर हफ्ते में 3 बार शैम्पू करते हैं तो एटलीस्ट 2 बार इस शैम्पू का ज़रूर प्रयोग करना और रिंस वाटर भी 2 बार तो ज़रूर ही लगाना। टोनर आप हफ्ते में 1 बार यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब भी आपको टाइम मिले तब आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। टोनर आप शैम्पू से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हैवीनेस फील होने लगती है बालों में उससे, तो शायद जो वर्किंग लोग हैं वो उसको प्रेफर ना करें। अगर आप घर पे रहते हैं तो टोनर आप वॉश्ड हेयर पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अमेजिंग रिजल्ट है, ट्रस्ट मी। मैं अपनी जो डिलीवरी, मेरा बच्चा छोटा है, उसकी डिलीवरी के बाद में मुझे पोस्ट डिलीवरी में इतना सीवियर हेयरफॉल हुआ था और मैंने इसी रेमेडी से अपना हेयरफॉल कंट्रोल किया था। कुछ ऑयल्स भी, होममेड ऑयल्स मैंने बनाए थे, वो भी अप्लाई किए थे। आप चाहें तो मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं। आपको आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन गिव मी अ थम्स अप, ओके। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।